आजकल मित्र नहीं मिलते, आजकल फ्रेंड मिलते हैं। फ्रेंड का मतलब जानते हो क्या होता है? जो फ्रॉड है वही फ्रेंड है। एग्जाम्पल, हमारे मित्र बनकर घर में आते हैं और जीजा बन के घर से जाते हैं। जब दुख आता है तो सिर्फ दो ही याद आते हैं, एक माँ और एक परमात्मा। आपने देखा होगा जब सुख का समय आता है तो सब लोग जो है एटीट्यूड में आ जाते हैं। सुख के समय भी अगर ईश्वर को न भूलो तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। आजकल के युवा बच्चों को बड़ा प्रेम लगा रहता है, फ्रेंडशिप का रोग लगा हुआ है सबको। क्या लगा हुआ है, जोर से बोलो। अभी वालिक भी नहीं होते उससे पहले फ्रेंड बनाना शुरू कर देते। आजकल सोशल साइट्स के टाइम में, आधुनिक टाइम में अपने बच्चों को संस्कारी बनाए रखना बहुत टेढ़ी बात है, बहुत मुश्किल बात है। आजकल मित्र नहीं मिलते, आजकल फ्रेंड मिलते हैं। कौन मिलते हैं जी, कौन मिलते हैं जी, कौन मिलते हैं जी? फ्रेंड का मतलब जानते हो क्या होता है? हैं? जो फ्रॉड है वही फ्रेंड है। जो फ्रॉड है वही फ्रेंड है। एग्जाम्पल, हमारे मित्र बनकर घर में आते हैं और जीजा बन के घर से जाते हैं। धीरे धीरे ताली बजाओ तुम, ये बात तो हमने गलत कह दी है। मित्र जानते हो किसको कहते हैं? मित्र का मतलब है भाई। क्या है? मित्र की बहन हमारी बहन, मित्र की मां हमारी मां, मित्र का भाई हमारा भाई, मित्र के पिता हमारे पिता जैसे, मित्र की पत्नी हमारी मां जैसी, भाभी अगर बड़े हैं तो भाभी जैसी, छोटी है तो बेटी जैसी। लेकिन ईमानदारी से बताओ आजकल ये भाव है क्या? कितनी न्यूज आपको सुनने को और देखने को मिलती है, कितनी न्यूज। ये मित्र नहीं है, दुश्मन है। और अगर मित्र बनाने का मन भी करे तो किसी भी कितना भी क्लोज मित्र हो उसे अपने घर में मत लाना, सारी मित्रता घर के बाहर रखना। जब तुम्हारे घर में बहन बेटियां हो, बहू हो, तो घर के बाहर रखो आज के मित्रों को। जिसके माथे पे तिलक ना हो, गली में कंठी ना हो और हाथ में कलावा ना हो, मुख में भगवान का नाम ना हो, ऐसे लोगों को तो गली से भी बाहर रखना। मैंने कुछ नहीं कहा, जोर से बोलना पड़ेगा तुमको। एक बहुत प्यारे मित्र हैं और उन मित्रता की कहानी बड़ी सुंदर है, बहुत अद्भुत है। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। जब भगवान श्री कृष्ण उज्जैन नगरी में, जिस समय भगवान सांदीपन गुरुजी के पास पढ़ने के लिए आ रहे थे, ये तब की कथा, ये तब की कथा। भगवान श्री कृष्ण अपने मथुरा से उज्जैन नगरी आ रहे थे सारथी के संग रथ में बैठकर पढ़ने के लिए। तो मार्ग में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। किसकी? एक बालक के, किसी के रोने की आवाज सुनी। तो जब रोने की आवाज सुनी तो भगवान ने सारथी से कहा, रथ रोको और देख कर आओ यहां कौन रो रहा है। जब दुख आता है ना तो दो ही याद आते हैं, जब दुख आता है तो सिर्फ दो ही याद आते हैं, पूछो कौन? एक मां और एक परमात्मा। और सच यह है, सुख में सभी साथ आके बैठते हैं, दुख में एक भी नहीं आता। लेकिन दुख में भी मां साथ नहीं छोड़ती।
और दुख में भी परमात्मा साथ नहीं छोड़ता। जिन लोगों ने परमात्मा से सच्ची प्रीति की है उन्हें परमात्मा ने खूब दिया है, जम के दिया है। परमात्मा कभी उनका हाथ नहीं छोड़ता है, परमात्मा उन्हें स्वीकार करके रखता है दुख में। इसीलिए तो कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। हम सबकी यही फितरत भी आदत भी है, जब दुख आता है तो हे भगवान बचा लो, हे भगवान बचा लो, आज के बाद में ये नहीं करूंगा, आज के बाद में ये नहीं करूंगा, आज के बाद में ये नहीं करूंगा। और जैसे ही थोड़ा सुख आता है फिर भगवान को भूल जाते हैं, फिर भूल जाते भगवान। संत कहते हैं जो सुख में सुमिरन करे, जो सुख के समय पे मन से भगवान को याद करते हैं उनके जीवन में दुख आएगा ही कहां से, वो तो हमेशा सुखी रहेंगे। आपने देखा होगा जब सुख का समय आता है तो सब लोग जो है एटीट्यूड में आ जाते हैं, एटीट्यूड। कोई पद मिल जाए, कोई प्रतिष्ठा मिल जाए, थोड़ा सा जेब गरम हो जाए, पैसा आ जाए, थोड़े से एक्स्ट्रा, मतलब पड़ोसी से एक्स्ट्रा, लंबी गाड़ी आ जाए, फिर देखो ड्राइवर साहब गाड़ी खोलते हैं और फिर उसमें बैठने का स्टाइल ही बदल जाता है, नहीं? चलने का स्टाइल है, एटीट्यूड अलग ही होता है, चलने चलने का, बोलने का। और जब भगवान पैदल कर देता है तो विद इन सेकेंड एटीट्यूड बदल भी जाता है। इसलिए जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक हो, सुख के समय भी अगर ईश्वर को न भूलो तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। भगवान ने सारथी से कहा जद्य क्या, सारथी दौड़ कर गए तो वहां एक ब्राह्मण बालक बैठ के रो रहा था। पूछा कौन हो तुम, तो उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण बालक हूं, मेरा नाम सुदामा है, सांदीपन गुरु जी के यहां पढ़ने जा रहा था, मार्ग में कांटा लग गया मेरे पैर में, कांटे से मैं दुखी हूं, इसलिए मैं ईश्वर को पुकार रहा हूं। सारथी ने कहा रो मत, तुम्हारी आवाज ईश्वर ने सुन ली, तुम्हारी आवाज ईश्वर ने सुन ली। और वो गए, जैसे ही भगवान ने सारथी से सुना कि एक ब्राह्मण बालक दुखी है, यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, भगवान रथ से कूदे, उतरे नहीं, कूदे। क्यों कूदे, किस लिए कूदे? भगवान जल्दी पहुंचना चाहते हैं कि जितनी देर से मैं पहुंचूंगा उतना ही उस ब्राह्मण बालक को कष्ट होगा, इसलिए मैं जल्दी पहुंचना चाहता हूं। भगवान दौड़ कर गए, कहा कौन से चरण में कांटा लगाए बताओ, मैं तुम्हारे उस चरण से कांटा निकालूं। सुदामा जी ने कहा मेरे चरण मत छुओ, छोड़ 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 छोड़। क्यों? अरे छोड़ छोड़, ऐसे क्यों? बोले देखो तुम्हारे भेष को देखकर, तुम्हारे श्रृंगार को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी राजा के पुत्र हो और मैं दीनहीन हूं, मेरा चरण छुओगे तो तुम्हारी शोभा नष्ट हो जाएगी, इसलिए मेरा चरण मत छुओ मुझे। श्री कृष्ण कहते हैं तुम जैसे विप्र के चरण छूने से शोभा नष्ट नहीं होती बल्कि शोभा और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। ऐसा मत करो,